हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएचयू एमएससी एजी 2020 के पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2017, 2018 एंड 2019 के पेपर को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई ले एग्स ऑन लीफ मार्जिन। मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई का नाम है एंथेलिया ल्यूगेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन ग्रेन स्टोरेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1958 एट हापुर, यूपी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रियरिंग ऑफ स्टिंगलेस बी इज नोन एज। देखिए, बी कल्चर और एपिकल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ बीस, एंड मेलीपोनी कल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ स्टिंगलेस बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, फोजोरिया लेग्स आर फाउंड इन मोल्ड क्रिकेट, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लीची एरिनियम माइट बिलोंग टू द फैमिली एरियोफाइडी, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज लीफ होपर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय हिशिमोनस फाइसिटीज विच इज अ लीफ होपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एकेरिसिडी एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एसिटामिप्रिट इज नॉट एन एकेरिसिडी। क्वेश्चन नंबर 8, पोलू बीटल इज अ मेजर पेस्ट ऑफ पेपर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, टी शेप्ड मार्किंग ऑन मार्बल साइज मैंगो फ्रूट इज सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय नट विविल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स हैव स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। देखिए, स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट डिप्टेरा में रहते हैं, कोलियोप्टेरा में चीविंग टाइप माउथ पार्ट रहते हैं, ठीक है, लेपिडोप्टेरा में होते हैं साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, फिनॉक्सी कार्ब इज अ जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, कोचिनियल इंसेक्ट प्रोड्यूस क्रिम्सन कलर डाई विच इज कैर्मिनिक एसिड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रस्ट डिसीज कॉजिंग फंगल जीनस एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूरोमाइसिस। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉमन सिम्टम्स कॉज बाय फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शन इज। अब देखते हैं उसके कुछ इन्फेक्शन्स होते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन होता है येलोइंग, सेकेंड इसका इन्फेक्शन होता है सिम्टम्स होता है सॉरी स्टंटिंग, थर्ड इसका इन्फेक्शन होता है सिम्टम होता है विचेस ब्रू, फोर्थ इसके सिम्टम होते हैं विरिसेंस एंड लास्ट इसका सिम्टम होता है फाइलोडी। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फाइलोडी, अभी हमने डिस्कस करा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु एस्टेब्लिश्ड फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस एज द कॉजल एजेंट ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज एंटन डिबेरी, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगीसाइड इज सिस्टमिक इन नेचर एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्बेंडाजीन इज सिस्टमिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन प्रोड्यूस जूस्पोर एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पाइथियम एफेनीडर्मेटम, इट प्रोड्यूसेस जूस्पोर। क्वेश्चन नंबर 18, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ सोलोनेशियस क्रॉप इज कॉज्ड बाय रेलस्टोनिया सोलेनिसेरम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, राइस ट्यूमरो बेसिलिफॉर्म वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय ग्रीन लीफ होपर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, पनामा विल्ट ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पीवी क्यूबेंस। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ फंगल बायो कंट्रोल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट सॉइल बोन फंगल पैथोजन इज ट्राइकोडर्मा हर्जियेनम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लूज स्मर्ट ऑफ वीट पैथोजन इज इंटरनली सीड बोन डिसीज, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ पैथोजन ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ द डिसीज इन प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डॉर्मेंट हाइफे प्रेजेंट इन ट्यूबर्स स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द टीलियोस्पोर ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनी टिटिसाई इज टू सेल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25,
फ्रूट हैविंग फीट इन वाटर एंड हेड इन फायर इज डेट पाम. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 26. द बोटानिकल फॉर्म ऑफ कीवी इज बेरी. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 27. बिशप इज अ वैरायटी ऑफ एप्पल. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 28. ग्रैन्युलेशन इज सीरियस प्रॉब्लम इन सिट्रस. ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज M27. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 30. विग्ना उनगिक्युलेटा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ. देखिए काउपी का नाम होता है विग्ना उनगिक्युलेटा. ठीक है, अब हम दूसरे नाम देखते हैं. फ्रेंच बीन का नाम होता है फेजियोलिस वल्गेरिस. ठीक है, क्लस्टर बीन का नाम होता है साइमोस टेट्रागो कैलोबे. और पी गार्डन पी का नाम होता है पाइसम सोटाइवम. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 31. श्री कीर्ति इज द वैरायटी ऑफ ग्रेटर याम. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 32. रूट नॉट निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ टमेटो इज सेल 120. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 33. लीक इज ग्रोन फॉर इट्स ब्रांच्ड स्टेम एंड लीव्स. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 34. पूसा रसराज इज अ वैरायटी ऑफ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मस्कमेलन. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 35. सोनार बंगला इज अ वैरायटी ऑफ क्राइसेंथेमम. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 36. स्लीपीनेस इज एसोसिएटेड विद कार्नेशन. ऑप्शन नंबर सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. विच पोजिशन ऑफ द कोडोन इज सेट टू बी द वोवल. एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्ड पोजिशन ऑफ कोडोन इज सेट टू बी वोवल. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. अ कंडीशन वेयर अ प्लांट सोमेटिक क्रोमोजोम इज नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड सेट इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 39. द फेनोमेनन ऑफ म्यूटेशन वेयर एडेनिन बेस इज म्यूटेड टू थायमिन बेस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्जन. ऑप्शन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. सिनेप्सिस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑकर ड्यूरिंग जायगोटिन. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 41. अ ब्रीडिंग मेथड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप वेयर मेनी डिजायरेबल प्लांट ऑफ सिमिलर फिनोटाइप्स आर सिलेक्टेड एंड देयर सीड्स आर मिक्स टू कॉन्स्टिट्यूट न्यू वेराइटी इज नोन एज मास सिलेक्शन. ऑप्शन नंबर बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. रिकरेंट सिलेक्शन मेथड most suitable for improvement of two populations simultaneously for hybrid development in reciprocal recurrent selection. Option B. Question number 43. Okazaki fragment referred to short DNA sequence synthesized on lagging strand. Option number A. Question number 44. How many phenotype classes possible in F2 if two genes expressing codominance in F1 segregation independently is 9? Option B. Question number 45. The concept of multi-line varieties was given by Jensen in 1952. Option A. Question number 46. Which one of the following true about orientation of two strands of DNA is anti-parallel to each other? Option number B. Question number 47. If amount of guanine base is 35 in DNA, what will the amount of adenine base? And its answer is option number C, that is 15%. Question number 48. In molecular assisted backcross breeding, the background selection refers to recovery of receptor gene. Option number D. Question number 49. Identify the plant which belongs to CAM mechanism is pineapple. Option number C. Question number 50. What is the absorption peak of phytochrome PFR is 730 nanometer. Option number T. Question number 51. Which hormone is related to coconut milk is cytokinin. Option number C. Question number 52. Which plant has lowest rate of photosynthesis is bryophyllum. Option number C. Question number 53. Which seed has the epigeal type of germination is castor. Option number A. Question number 54. Which amino acid belongs to essential amino acid group is lysine. Option number C. Question number 55. Potato tuber is scientifically called as underground sham. Option D. Question number 56. Formation of ethanol from pyruvic during respiration is anaerobic respiration. Option number A. Question number 57. Protein synthesis in cell is grouped under one of the following category is anabolic process. Option number P. Question number 58. White bird of maize and Khera disease of rice accompanied with stunt growth of maize and rice is caused by the deficiency of the following
and it is caused due to deficiency of zinc, option C. Question number 59. Cell devoid of water is called as flaccid cell, option number D. Now, question number 60. 5 milligram urea dissolved in 1 liter water will be how many ppm? And its answer is option number D, that is 5 ppm. तो आज हमने BHU MSCHG 2020 के पार्ट 1 को डिस्कस करा. हम नेक्स्ट पार्ट में अनदर 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.